मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भेजे जाने वाले 5 लाख लड्डुओं में से सोमवार को कुछ लड्डू खुद तैयार किए, जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन लड्डुओं को 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रसाद के रूप में वितरित करने के लिए अयोध्या भेजा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री उज्जैन के चिंतामन में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के लड्डू बनाने वाले इकाई में पहुंचे और अयोध्या भेजे जाने वाले 5 लाख लड्डू तैयार करने की पूरी प्रक्रिया का उन्होंने निरीक्षण किया। आपको ये वीडियो हम दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने जमीन पर बैठकर लड्डू तैयार किए खुद अपने हाथों से। इसी के साथ ही सीएम लड्डू तैयार करने वालों से बातचीत भी की। सीएम मोहन यादव ने जो लड्डू तैयार कर रहे थे उनसे बातचीत की, कुछ लड्डू उन्होंने खुद बनाए, मुख्यमंत्री ने पैकिंग में भी मदद की। 4 लाख लड्डू पहले ही तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन जो है वो लगभग 50 ग्राम है और इन्हें बेसन रवा शुद्ध घी और सूखे मेवों से बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर ये बड़ी घोषणा की थी कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रसाद के रूप में वितरित करने के लिए उज्जैन महाकालेश्वर से 5 लाख लड्डू भेजे जाएंगे। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इंदौर में कई गर्भवती महिलाओं ने डॉक्टरों के सामने 22 जनवरी को डिलीवरी कराए जाने की इच्छा भी जताई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि जच्चा बच्चा का स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता रहेगी। सरकार ने भी जन भावनाओं को देखते हुए 22 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश में ड्राई डे की घोषणा की है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।